गुड डे टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में आपने कमांड के बारे में सीखा था, क्या आप सभी ने कमांड को अच्छी तरह से सीख लिया है? आइए अब कल की क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि कॉपी पेस्ट के लिए कमांड क्या होता है? कॉपी के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस सी होता है, और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वी होता है। क्या आप बता सकते हैं कॉपी और पेस्ट क्यों करते हैं? कॉपी पेस्ट हम किसी चित्र को एक से ज्यादा बनाने के लिए करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कट और पेस्ट क्या होता है? कट और पेस्ट से आप किसी चित्र को एक जगह से कट करके दूसरे जगह पर ला सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कट के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं? कट के लिए आप कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करेंगे। अंडू और रिडू के लिए कमांड क्या होता है? अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड और रिडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई होता है। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का उपयोग क्यों करते हैं? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का उपयोग किसी चित्र को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए रेक्टेंगल के प्रकार का बॉक्स बनाना जरूरी होता है। क्या आप बता सकते हैं जब आप कलर बॉक्स 1 और कलर बॉक्स 2 के साथ फिल विद कलर का उपयोग करके कोई ड्राइंग को कट करते हैं तो क्या होता है? जब आप कलर बॉक्स 1 और कलर बॉक्स 2 के साथ किसी ड्राइंग को कट करते हैं तो उस जगह पर वह कलर आ जाता है जो आपने कलर बॉक्स 2 में सेलेक्ट किया हुआ रहता है। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और MS पेंट की फाइल को ओपन करें। आइए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप ओवल टूल के मदद से चित्र को बनाएंगे। आप जो चित्र बनाएंगे वह कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि वाटरमेलन, टेरी बियर और भी चित्र को बनाएंगे। सामने दी गई चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को क्या कहते हैं। यह वाटरमेलन का चित्र है। इस चित्र को आप कैसे बनाएंगे? इस चित्र को बनाने के लिए आप ओवल टूल के साथ साथ कलर बॉक्स 1 और कलर बॉक्स 2 का उपयोग करेंगे, और साथ में आप कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं। क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं अथवा नहीं? अगर इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप सभी वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाते हैं। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को ओवल टूल पर लेकर आएं, ओवल टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद फिल पर जाएं, सॉलिड कलर लें, कलर 1 को सेलेक्ट करें, कलर चेंज करें, कलर 2 को सेलेक्ट करें, सेम कलर लें इसमें भी, उसके बाद एक ओवल को ड्रैग कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर 2 को सेलेक्ट करें, व्हाइट करें कलर 2 को, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद सिलेक्शन सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें, फिर अब आप इसके ऊपर वाले हिस्से को सेलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसे कट करने के लिए आप कट के कमांड का उपयोग करेंगे जो कि कंट्रोल प्लस एक्स होता है, जिससे कि कट हो जाएगा। उसके बाद आप कलर 1 को सेलेक्ट करेंगे, फिर कलर 2 को चेंज करेंगे, सेम कलर लेंगे,
ओवल टूल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर से सॉलिड कलर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देंगे एक ओवल को। उसके बाद कलर टू को व्हाइट करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले ओवल को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसे कट करने के लिए आप कट के कमांड का उपयोग करेंगे जो कि कंट्रोल प्लस एक्स होता है। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लें इस ओवल को, इस शेप्स को, और इसे पिक करके यहाँ पे रखें। जैसे आप इसे पिक करके रखेंगे, आपका पहला वाला चित्र छुपने लगेगा, यानी कि हाइड होने लगेगा। उसे ठीक करने के लिए आप सेलेक्ट टूल पे जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि यह ठीक हो जाएगा। अब इसे पिक करके यहाँ पे रखें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, दोबारा से ओवल टूल पे जाएं, क्लिक करें, कलर वन को सेलेक्ट करें, कलर टू को सेलेक्ट करें, सेम कलर लें जो कलर वन में है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक छोटे से ओवल को ड्रैग करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर टू को व्हाइट करें, सेलेक्ट पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें, उसके बाद अभी से सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कॉपी करें। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी के कमांड का उपयोग करें और उसके बाद पेस्ट करें। पेस्ट के लिए आप कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करें। पेस्ट करने के बाद अब इसे पिक करके, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसे अब यहाँ पे रखें। फिर एक और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करें, फिर इसे पिक करके यहाँ पर रखें। फिर दोबारा से पेस्ट करें, और इसे पिक करके यहाँ पे रखें। फिर दोबारा से पेस्ट करें, फिर इसे पिक करें और यहाँ पे रखें। फिर इसे पेस्ट करें, फिर यहाँ पे रखें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि इस चित्र को क्या कहते हैं? यह चित्र एक टेरी बियर का है। क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं? अगर किसी को यह चित्र बनाने में कोई समस्या हो तो आप सभी इस चित्र को बनाने के लिए वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए कलर वन कलर टू दोनों को सेम कलर कर लें।
ओवल टूल को सेलेक्ट करें। और ऐसे एक ओवल को ड्रैग करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर टू को वाइट करें। उसके बाद यहाँ पे एक ओवल को ड्रैग करें। इसे थोड़ा सा पिक करके इधर साइड वुड में रखें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक और ओवल को ड्रैग करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद इसे भी पिक करके इधर थोड़ा सेट करें, रखें इसको अच्छे से। फिर कलर टू को भी ब्लैक करें। यहाँ पे ओवल को ड्रैग कर दें। कलर टू को व्हाइट करें। सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को लें। और अब इसे सेलेक्ट कर लें। अब इसे कॉपी करें। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी के कमांड का उपयोग करें। पेस्ट करें। और उसे पिक करके यहां पे रखें। फिर दोबारा से इसे सेलेक्ट करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इसे पिक करके अब यहाँ पे रख लें। उसके बाद कलर टूल को भी ब्लैक करें, ओवल टूल को सेलेक्ट करें। यहाँ पे ओवल को ड्रैग कर दें। सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को लें। कलर टूल को व्हाइट करें। कॉपी पेस्ट करें। पिक करके यहां पे रखें। फिर अभी से पिक करके यहां पे रखें। कलर टू को सेलेक्ट करें, ब्लैक करें। ओवल टूल को सेलेक्ट करें।
यहाँ पे कोबल को ड्रैग कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर टू को वाइट करें, यहां पर एक छोटा सा ओवल ऐसे ड्रैग करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट टूल पे जाएं, क्लिक करें यहाँ पे, अभी सोबल को ऐसे सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद इसे कॉपी पेस्ट कर लें और फिर अब आप इसे पिक करके यहाँ पे रखें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर टू को ब्लैक कर लें, उसके बाद ओवल टूल को सेलेक्ट करें, फिर अब आप यहां पर एक ओवल को ड्रैग कर लें। फिर उसके बाद यहां पे एक और ओवल को ड्रैग करें, कलर टू को वाइट करें, सेलेक्ट टूल पे जाएं, यहां पर क्लिक करें, अभी सोबल टूल को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप इसे कॉपी पेस्ट करें। उसके बाद अब इसे पिक करके यहां पे लेकर आए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर अब इसे सेलेक्ट कर लें और इसको पिक करके यहां पे रखें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आपका यह चित्र बन जाएगा। इस चित्र को देखें और बताएं इसे आप क्या कहते हैं और इसे कैसे बनाएंगे। यह चित्र एक कार्टून का है। यह चित्र रेक्टेंगल टूल, लाइन टूल और ओवल टूल की मदद से बनाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस चित्र को आप सब खुद से बनाकर अपने टीचर को दिखाएं। अगर आप सभी को चित्र बनाने में कोई समस्या हो रही हो तो आप वीडियो के द्वारा इस चित्र को बनाना सीख सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर इस चित्र को बनाना सीखते हैं। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिल पे जाएं, सॉलिड कलर को सेलेक्ट करें, कलर वन को सेलेक्ट करें, फिर
फिर कलर टू को सेलेक्ट करें, सेम कलर लें। उसके बाद इसे पेंट के शीट पे ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद ऐसे नीचे एक और रेक्टेंगल को ड्रैग करें। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और रेक्टेंगल को ड्रैग करें। उसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर यहाँ पे ऐसे कलर टू को वाइट करें। सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें। इसे सेलेक्ट कर लें, फिर इसे कॉपी करें, उसके बाद इसे पेस्ट करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल सी का कमांड का उपयोग करेंगे और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करेंगे। और उसके बाद रोटेट पर जाएं, फ्लिप हॉरिजेंटल ऑप्शन को सेलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद पिक करके इसे यहाँ पे लेकर आएं। जैसे इसको पास में लेकर आएंगे ये हाइड होने लगेगा। इसको ठीक करने के लिए सेलेक्ट टूल पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, और फिर इसे ऐसे ठीक करें जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर अभी से सेलेक्ट करें और इसे पिक करके यहाँ पे रखें। उसके बाद फिर से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर टू को सेलेक्ट करें, ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर उसके बाद ऐसे एक और रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, सेलेक्ट टूल पे सेलेक्ट लें, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें। और अभी से सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लें और उसके बाद पिक करके इसे यहाँ पे लेकर आए। फिर अब इसे सेलेक्ट कर लें, रोटेट पे जाएं, फ्लिप हॉरिजेंटल को सेलेक्ट करें, उसके बाद इसे पिक करके यहां पे लाके रख दें।
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर ओवल टूल को सेलेक्ट करें। कलर वन कलर टू दोनों में सेम कलर लें। यहाँ पे ओवल को ड्रैग करें। फिर कलर टू को व्हाइट करें। कलर टू को व्हाइट करने के बाद सेलेक्ट टूल पे जाएं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें। फिर अपने पॉइंटर को यहां पे लेकर आएं। अब इसको सेलेक्ट कर लें और फिर इसे कॉपी पेस्ट करें। पिक करके इसे यहां पे रखें। फिर एक बार और कॉपी पेस्ट करें और इसे पिक करके यहाँ पे रखें। जो उसी वाले ओवल को सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लें। लाइन टूल को सेलेक्ट कर लें। कलर वन को चेंज करें। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एक लाइन को ड्रैग करें। फिर ओवल टूल को सेलेक्ट करें। फिल सॉलिड कलर लें। कलर वन कलर टू में दोनों में सेम कलर लें और यहाँ पे ओवल को ड्रैग कर दें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। अब आपको इस क्लास का आखिरी चित्र बनाना है। इस चित्र को आप सभी खुद से बनाकर दिखाएं, क्योंकि यह चित्र घर का है। अगर फिर भी आप सभी को इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर हाउस को बनाना सीखते हैं। आप सभी लाइन टूल को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद साइज पर जाएं, यहां से लाइन के साइज को सेलेक्ट करें। कलर वन को चेंज कर लें और एक ऐसे लाइन को ड्रैग करें। फिर उसके बाद यहां पे एक और लाइन को ड्रैग करें ऐसे। फिर उसके बाद यहां से ऐसे एक और लाइन को ड्रैग करें। उसके बाद यहां से ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए।
फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ लाइन को ड्रैग करें, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे एक लाइन को और मिला दें। अब यहां से ऐसे ऊपर की तरफ लाइन को ड्रैग करें, फिर इधर की तरफ लाइन को लेकर आए, अब यहां से नीचे की तरफ लाइन को लेकर जाएं। फिर उसके बाद अब यहां से ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें, फिर नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, फिर यहां से लाइन को ऐसे ड्रैग कर लें। फिर अब यहां से ऐसे एक और लाइन को मिला दें। फिर ऐसे एक और लाइन को ड्रैग करें, फिर यहां से ऐसे। उसके बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे रखें और ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं। फिर उसके बाद ऐसे अब नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए। इस तरह से आपका यह घर का चित्र बन जाएगा। अब आप सभी अपने पेंट की फाइल को सेव करें और फिर कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास में आपने इसके पहले की क्लास का रिवीजन किया और साथ में कुछ और भी चित्र बनाया, जो कि ओवल टूल के साथ साथ रेक्टेंगल टूल और लाइन टूल के मदद से बना हुआ था।